यूनिट नंबर 2 के सारे टॉपिक डिस्कस करके हो चुके हैं। क्या क्या था हमारे पास यूनिट नंबर, अगर हम 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने जितने टॉपिक गो थ्रू किए, अगर हम सारे की बात कर ले, पहले यूनिट नंबर 1 था जो थ्योरिटिकल था, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह शुरू हुए थे। यूनिट नंबर 2 के अंदर किसी को प्रॉब्लम है क्या बताना, अरिथमेटिकल मीन, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर है पूरी तरीके से, डिस्क्रीट सीरीज ये भी क्लियर है पूरी तरीके से, एंड कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। इसके अंदर भी दो मेथड होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हम अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, फिर अरिथमेटिक मीन के अलावा हम लोगों ने मीडियन देखा था, तो मीडियन भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये भी ओके है, ओके। उसके बाद फिर मोड पढ़ा था, तो मोड भी हमारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में, इन तीनों में किसी को डाउट है? नो। उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन देखा था, वो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में ही पूछने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। अगर मैं इन तीन टॉपिक की बात करूँ तो ये तीन टॉपिक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये इंडिविजुअल सीरीज में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। उसके अलावा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में भी हम लोगों ने गो थ्रू किया था ओरली रिविजन में, बाकी जो डिटेल क्लास हुई थी उसमें तो पूरा गो थ्रू किया था, बट अभी रिविजन में हमने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को सिर्फ ओवरव्यू किया था कि कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने वेटेड वाले मीन भी देखे थे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वेटेड अरिथमेटिकल मीन भी देखा था, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी देखा था, एंड वेटेड हार्मोनिक मीन भी देखा था, और ये मोस्टली इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही देखा था। तो एग्जाम में अगर आने के चांसेस है तो इंडिविजुअल सीरीज से आने के चांसेस है, बाकी डिस्क्रीट और अगर कंटिन्यूअस के अंदर अंदर आते हैं क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है क्या करना है। यस, तो क्या यूनिट नंबर 1 में पूरा इतना अच्छा? इसके अलावा एक और टॉपिक गो थ्रू किया था, रिलेशनशिप। हम लोगों ने रिलेशनशिप की बात किया था, किसके किसके बीच में, मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में, तो रिलेशनशिप वाले भी क्वेश्चंस क्लियर है। आप एक फॉर्मूला याद रखोगे उससे तीनों चीजें निकल सकती है। मोड का फॉर्मूला याद रख लो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो यहाँ से मोड निकल जाता है, और जैसे ही मोड अगर सपोज गिवन है, मीडियन गिवन है, मीन निकालना है, तो बस इक्वल्स टू के इधर उधर ट्रांसफर करनी है। इतनी चीजें हम अभी तक गो थ्रू कर चुके हैं, करेक्ट। इसके अलावा नाउ अगर हम बात करें न्यू टॉपिक की, मतलब की यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 आपके सिलेबस का जो डील करता है डिस्पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। ये यूनिट किससे रिलेटेड मतलब डील करता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का जनरली मतलब होता है डिफरेंसेस, डेविएशंस, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग स्क्यूनेस भी पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर हम लोग क्या भी पढ़ने वाले हैं, स्क्यूनेस, क्योंकि स्क्यूनेस वो डिफरेंसेस की वजह से अराइजेस होते हैं। तो ये यूनिट का नाम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, या फिर आप स्क्यूनेस भी इसको बोल सकते हो। चलिए तो वन बाय वन गो थ्रू करें। सबसे पहला गो थ्रू करते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा गो थ्रू कर रहे हैं? रेंज, जिसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो रेंज क्या होता है? रेंज मतलब कि हमको एक लिमिट्स बताई जाती है, या फिर रेंज का मतलब होता है द अपर साइड, डिफरेंस बिटवीन अपर साइड एंड लोअर साइड। रेंज का मतलब ये होता है कि डिफरेंस अपर साइड और लोअर साइड में। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। क्या फॉर्मूला होगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। चलिए तो रेंज क्या बताता है आपको? एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस, ठीक है। तो रेंज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी निकलता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी रेंज कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर भी रेंज कैलकुलेट किया जाता है। और तीनों भी जगह पर रेंज का फॉर्मूला सेम है, मतलब रेंज का फॉर्मूला चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, रेंज का फॉर्मूला बदलेगा नहीं। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इसी को कुछ लोग यू माइनस एल भी लिखते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब और यू माइनस एल भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसी को हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या फिर अ लार्जेस्ट, ठीक है, यानी डिनोटिंग वर्ड यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपर माइनस स्मॉलेस्ट, यानी डिनोटिंग वर्ड कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जैसे अभी एक और वर्ड बोला गया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो जो भी आपको ठीक लगे इनमें से आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हो एज अ फॉर्मूला, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज हो,
डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, ये पूरे फॉर्मूले क्या रहेंगे आपके, पूरे मतलब फॉर्मूले एक ही है, सेम रहेगा, इंडिविजुअल में भी डिस्क्रीट में भी फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम फॉर्मूले रहेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इग्नोर करना है, जैसे आप भी लाइफ में कई लोगों को इग्नोर करते हो, वैसे यहां पर भी इग्नोर करना है आपको, किस चीज को, फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, किसको इग्नोर करना है, फ्रीक्वेंसीज, और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी आपको इग्नोर करना है किसको, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इस रेंज वाले टॉपिक के अंदर आपके लिए क्या है, इररिलेवेंट है, बिल्कुल आप लोगों को रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। और ये जो रेंज है आपको एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, उससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं है, ठीक है, मतलब 8 या 16 में, 16 तो चलो पैटर्न में है ही नहीं अपने, नहीं है, 8 8 ही है, वो तो मैंने एक आपको सैंपलिंग के लिए 16 दिया था अभी इसके पहले टेस्ट में, एक्चुअल पेपर पैटर्न आपका 4 8 8 वाला ही है, राइट। चलिए तो रेंज एक एग्जांपल, अच्छा है, एक साथ इसका ना दूसरा भी एक टॉपिक देखते हैं, रेंज कैसे निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, राइट, फ्रीक्वेंसी को ऑलवेज क्या करना है, इग्नोर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने इंडिविजुअल सीरीज में नहीं बोला ना फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करने के लिए, तो इंडिविजुअल सीरीज में होती है क्या फ्रीक्वेंसीज, नहीं, ठीक है। तो रेंज कैसे निकलेगा, क्लियरिटी है सभी को, एक एग्जांपल से भी गो थ्रू करेंगे, उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अगली बात हम किस चीज के करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसको आप शॉर्ट में COR भी बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो, COR, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अगेन इसको भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों भी सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन, मतलब कि सेम, क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम। अगेन वही बात फिर से रिपीट करूंगा, यहां पर भी आपको क्या इग्नोर करना है, फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर करना है, राइट, यानी कि सिर्फ आपको वैल्यूज कंसिडर्ड करना है। तो एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर टॉपिक को फिनिश करें। अगर एक एग्जाम्पल हम बनाए इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड, तो आपको मार्क्स दिए हुए हैं, से मैं कहता हूं मार्क्स दिए 5 8 10 15 5 7 5, ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसका रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। देख लो इस सीरीज से हाइएस्ट क्या नजर आ रहा है, हाईएस्ट नजर आ रहा है 15, तो 15 माइनस लोवेस्ट क्या नजर आ रहा है, 5, तो 5 तो कितना आ जाएगा, 10, राइट, कितना आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसी के साथ क्या आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको हाईएस्ट वैल्यू भी पता है एंड लोवेस्ट वैल्यू भी पता है, तो फॉर्मूला आपका हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो करके बताओ मुझे, ये 15 में से माइनस हो जाएगा 5, वैसे 15 में प्लस हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इधर 10 डिवाइडेड बाय 20, मतलब आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.5 आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आ जाएगा, 0.5। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डन, पक्का। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इससे ज्यादा कुछ और पूछ सकता है क्या रेंज में, नो। अच्छा, अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, अब ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक डिस्क्रीट सीरीज का, मार्क्स 5 15 25 35 45, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और साथ में आपको क्या भी दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या दे दिया गया आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, से 7 5 2 9 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगेन आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेंज कैलकुलेट करना है, तो रेंज का फॉर्मूला सेम होता है क्या, डिस्क्रीट सीरीज में भी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब देखो बच्चे यहां पर गलती क्या कर सकते हैं, अब हाईएस्ट कहां से लेना आपको, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से हाईएस्ट देखना है, या ये जो मार्क्स जो वैल्यूज गिवन है यहां से हाईएस्ट लोवेस्ट चेक करना है, इसको तो बड़ा सा आपको इग्नोर करना है, फ्रीक्वेंसीज को आपने क्या करना है यहाँ, इग्नोर, मतलब ये आपके लिए कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग रेंज, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है, 45, और लोवेस्ट क्या नजर आ रहा है, 5, तो रेंज कितना आ जाएगा, 40, राइट। उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आप निकाल सकते हो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, राइट। तो
हाईएस्ट कितना था? 45 माइनस फाइव और 45 प्लस फाइव मतलब 40 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा? 0.8 कितना? 0. नहीं 45 नहीं करना है, 45 डिवाइडेड बाय 50 नहीं दादा, 40 डिवाइडेड बाय 50 करना है। 45 माइनस 5 करोगे तो 40 आएगा ना, और 45 प्लस 5 करोगे तो 50 आएगा, और जब आप 40 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 0.8 आएगा। आपने 45 डिवाइडेड बाय 50 किया होगा करके आपका 0.9 आया था। चलो ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी क्लियर। अच्छा एक यहाँ पर प्रॉब्लम देख लेते हैं, कंटिन्यूस सीरीज से भी रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड? कंटिन्यूस से रिलेटेड। तो अगर मैं कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो मार्क्स सपोज आपको दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक एग्जांपल है ये। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 7, 5, 3, 2, ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अगेन यहाँ कुछ नहीं डायरेक्टली आपको, क्योंकि इसको तो वैसे भी इग्नोर ही करना है आपने, है ना, फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, इग्नोर। तो रेंज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो आपको कंटिन्यूस सीरीज में ये जो भी वैल्यूज की हाईएस्ट वैल्यूज गिवन होंगी या दिख रही होंगी, और जो लोअर ये आपने लेना है, मतलब कि 50 माइनस 0 50, ये क्या आ गया आपका रेंज। उसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 50 मींस 1। अच्छा अगर सपोज यहाँ मैं कुछ और वैल्यू दे देता, सपोज यहाँ 5 to 50 दे देता, सपोज ऐसा कोई मैं सीरीज बना देता यहाँ पर 5, 5, 5 का इंटरवल लेके, हाई लोवेस्ट वैल्यू पूरी सीरीज के अंदर 5 होती और हाईएस्ट 50 होती, तो फिर 50 माइनस 5 45 रेंज, एंड 50 माइनस 5 प्लस 50 प्लस 5, तो फिर उसका जो भी आंसर आता कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता, राइट। तो क्लियर है कि ये चीजें, रेंज वैसे भी बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर लर्निंग है क्या? नो। तो ये पूरी सिंगल स्क्रीन पर एक बार आप लोगों का ये रेंज वाला पूरा कॉन्सेप्ट, हालांकि बहुत छोटा दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इतने में आपका पूरा रेंज का टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अच्छा अगर एक सवाल आया सर कंटिन्यूस में इंक्लूसिव में रहा तो, चलिए कंटिन्यूस में आपको 4-5 अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से आ सकते हैं, अभी मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज का प्रॉब्लम दिया है। कंटिन्यूस में अगर इंक्लूसिव सीरीज के अंदर प्रॉब्लम आया तो क्वेश्चन आया है सर इंक्लूसिव के अगर अंदर होता तो डेटा कुछ ऐसा होता, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और सपोज करो 41 से 50, मार्क्स ऐसे ही होते, राइट। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी आपकी मर्जी यहाँ ले लो, क्योंकि वैसे भी इसको इग्नोर ही करना है। तो चलो अब यहाँ रेंज निकालने जाओगे तो आपके हाईएस्ट नंबर क्या है? 50 और लोवेस्ट नंबर क्या है आपके पास? 1, ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। यहाँ कन्वर्जन करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक, आपको यहाँ पर कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। अगर आपको कन्वर्जन करके करना है तो भी आंसर रिमेन सेम, करके देखे अभी कितना आ रहा है आपका रेंज 49। अगर आप कन्वर्जन करके करना चाहते हो तो कर लो, चलो दिखा दे कन्वर्जन करके कितना आता है। अच्छा कन्वर्जन कैसे होता है जिसको रूल नहीं पता है, हम ये डिफरेंस देखते हैं क्या, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट का डिफरेंस देखते हैं, और इस डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों का 11 और 10 के बीच डिफरेंस है 1, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5, मतलब इस इंक्लूसिव को अगर मैं कन्वर्ट करूं काय में, एक्सक्लूसिव में, काय में कन्वर्ट करूं, एक्सक्लूसिव में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या मेरा जो डाटा है कैसे बन जाएगा, मार्क्स 0.5 से 10.5, फिर उसके बाद 10.5 से 11.5, फिर 11.5 से सॉरी 11 नहीं 21.5, फिर 21.5 से 31.5, फिर उसके अलावा 31.5 से 41. अच्छा ये 20.5 20.5 और ये 30 30 40, ठीक है, फिर 40.5 से 50.5, और फिर जो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी वैसे भी इग्नोर करना है तो लिखू ना लिखू एक बराबर है, बट लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। नाउ अब करो, तो अब डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है आपका
अगर इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें तो 50.5 माइनस 0.50 मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस 50 का, और अगर कोएफिश ये हो गया आपका रेंज, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आ रहा है आपका 50.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 50.5 प्लस 0.5 मतलब कि 50 डिवाइडेड बाय 51 मतलब 0.98 ठीक है। और अगर हम विदाउट कन्वर्जन अगर करते इंक्लूसिव सीरीज को तो हमारा यहाँ पर रेंज आया है 49, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आता 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 1 मतलब कि 49 डिवाइडेड बाय 51 कितना 0.96। ओके मतलब कि हमारा ये जो शुरुआत जीरो से नहीं हुई है, क्योंकि देखोगे आप अगर आप इंटरवल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हर ये जो क्लास के अंदर वन का एक गैप आ रहा है ठीक है, तो वन के गैप की वजह से आपका रेंज में भी वन का डिफरेंस अराइज हो रहा होगा, और ये वन की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ को जो रेंज है इसमें भी आपको स्लाइटली डिफरेंस नजर आ रहा है। तो सर अब एग्जाम में अगर आया तो हमने क्या करना चाहिए अब वो बताओ। दोनों से तो आंसर ठीक है, कंपेयर हो गया, डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो एग्जाम्स में कभी भी हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट प्रियोरिटी देना चाहिए उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की। यानी हम लोग मीन मीडियन मोड भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं, इंक्लूसिव हो या फिर लेस देन हो या फिर मोर देन हो, हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होती है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की। तो आप लोगों ने अगर इस तरीके से इंक्लूसिव का क्वेश्चन आया तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या दे दो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की, मतलब ये एकदम माइंड में सेट कर लो, जब भी कंटिन्यूस सीरीज में कोई भी आप डाटा सॉल्व करोगे उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके कर लेंगे राइट। और अगर गलती से हमारे दिमाग से निकल गया कि कन्वर्ट करना है तो ये कॉन्सेप्ट या फिर आंसर रॉन्ग कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, आप जस्ट अजम्पशंस बेसिस पर कि हमने इंक्लूसिव से क्या कर दिया है रेंज निकाल लिया, बट हमेशा प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए एक्सक्लूसिव, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेस देन मोर देन या ओपन एंडेड वाली सीरीज या मिड वैल्यू वाली सीरीज जब भी ऐसा डेटा होता है आपके सामने तो हमेशा पहले हम उसको कायमे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसी में अगर सपोज आपको मोर देन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ऐसा भी टाइप आता है आप लोगों को मोर देन, जैसे मैं बोलता मोर देन 0 फिर मोर देन 10 फिर मोर देन 20 मोर देन 30 मोर देन 40 राइट, और इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रहा हूं सपोज करो 50 35 30 20 एंड 10, मैंने कुछ आपको रैंडम फ्रीक्वेंसीज दे दिया। अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि मोर देन में फ्रीक्वेंसीज आपको कैसे देखने को मिलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि यही क्वेश्चन लेस देन का बनता, जैसे अगर मैं लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता और सपोज यहां मैं रैंडम फ्रीक्वेंसीज लू तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज आती है आपके, जैसे 3 15 20, 25, 40। तो ये मैंने दो टाइप के आपको डेटा दे दिया है, सिंपली पहले आपने इसको कायमे कन्वर्ट कर लेना है एक्सक्लूसिव में, पहले इसको कायमे कन्वर्ट कर लेना है ठीक है। यस हम लोग कंटिन्यू सीरीज के अंदर जब भी ऐसा हमारे सामने मोर देन या फिर लेस देन वाला डेटा आता है तो हमको इसको पहले कायमे कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में ठीक है, हमको कायमे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, हमको इसको कन्वर्ट करना है राइट। तो चलिए एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, यस ज्यादा बातें नहीं, तो मोर देन 0, तो देखो जब भी मोर देन वाली सीरीज आती है ना समझ जाओ कि आपको उसने क्या दे रखा है, लोअर लिमिट दे रखा है ठीक है, आपको क्या दे रखा है मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा कितना, मतलब ये आपको जो वैल्यूज दिख रहे हैं 0 10 20 30 ये लोअर लिमिट गिवन है आपको, तो इसको जब भी आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपके मार्क्स कैसे बन जाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और जो फ्रीक्वेंसीज है उसको नॉर्मल करनी पड़ती है, चीज याद रखना जब भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में फ्रीक्वेंसीज दिख रही है, जैसे कि आपको ये कैसे दिख रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रही है घटते क्रम में, और यहां पर कैसे दिख रही है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में राइट तो आपको फ्रीक्वेंसीज को भी नॉर्मल करना पड़ता है। सर कैसे, जैसे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएंगे आपकी 50 में से 35 माइनस कर देंगे तो नॉर्मल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएंगी 15, उसी तरीके से यहाँ पर हम 35 में से 30 माइनस कर देंगे तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएंगी 5, उसी तरीके से 20 में से माइनस
सॉरी 30 में से माइनस कर देंगे 20, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएंगी 10। उसी तरीके से 20 में से माइनस कर देंगे 10, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएंगी 10। और 10 में से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब जीरो, मतलब कि 10 एज इट इज आ जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से पहले काय में कन्वर्ट कर लेना है, जो मोर देन वाली सीरीज होंगी पहले उसको काय में कन्वर्ट कर लेना है एक्सक्लूसिव में। और एक बार एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया तो ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, या हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, जैसा भी आपको बोलना है। ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई आपके पास और लोवेस्ट वैल्यू हो गई आपके पास, निकल जाएगा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यस, उसी तरीके से जब लेस देन वाली सीरीज आती है तो हमेशा याद रखना लेस देन वाली सीरीज में ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, अपर लिमिट गिवन होती है, मतलब आपको बैक साइड आना है रिवर्स, मतलब कि ये जो 10, 20, 30, 40, 50 ये जो दिए ना, ये अपर लिमिट दिए, इसका मतलब आपको लोअर लिमिट डिसाइड करना है। तो सब में 10 10 का कॉमन इंटरवल दिख रहा है, तो 10 पीछे आते जाओ, जैसे 10 में से 10 माइनस किया तो 0, 20 में से 10 माइनस किया तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, हो गई नॉर्मल एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसीज भी आपको कैसे नॉर्मल करना है, जैसे 15 में से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा, सॉरी पहले स्टार्टिंग में 3 है तो 3 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0, तो 3 में से 0 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3, फिर 15 में से 3 माइनस किया तो 12, फिर उसके बाद 20 में से 15 माइनस किया तो 5, फिर 25 में से 20 माइनस किया तो 5, और उसके बाद 40 में से 25 माइनस किया तो 15। तो ये बन गई आपके नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज। अगेन आपके पास हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी को तो वैसे भी इग्नोर करना होता है एंड जब भी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आप रेंज सॉल्व कर रहे हो। तो राइट, पूरी तरीके से रेंज क्लियर है अभी। इंक्लूसिव सीरीज में आए, लेस देन में आए, मोर देन में आए, आपको पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेना है एंड रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। डन, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये रहा जी आपका रेंज का फॉर्मूला, ये हमने यहां पर लिख रखा है, आप देख सकते हो। यस, एल माइनस, उसको एस भी बोल सकते हो, ये अलग अलग तरीके से उसको बोल सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बोल सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोल सकते हो, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, अपर माइनस स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, बस इतना। ये रेंज का हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का होता है, जैसे इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर लो, जैसे अपन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। दो ही फॉर्मूला है, एक हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और दूसरा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये रेंज का फॉर्मूला है और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है। राइट, इसके क्वेश्चंस कैसे डिराइव होंगे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुका हूँ। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन इस तरीके से डिराइव होगा, ये जैसा इंडिविजुअल सीरीज होती है वो आ जाएगा एंड उसके ऊपर आपको पूछेगा कि रेंज कितना, कोएफिशिएंट रेंज कितना, तो हाईएस्ट वैल्यू पिक्ड करना है, लोवेस्ट वैल्यू उसको पिक्ड करना है एंड आंसर निकालना है। उसी तरीके से डिस्क्रीट के अंदर भी आपको फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर करना है, मतलब वैल्यू से हाईएस्ट और लोवेस्ट देखना है। उसी तरीके से भी कंटिन्यूअस का डिस्कशन कर रहा था, कंटिन्यूअस को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो एंड फ्रीक्वेंसी इग्नोर करना होता है पूरी तरीके से, वैल्यूज में से ही आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज कंसिडर्ड करनी होगी। राइट, इस तरीके से आप लोगों को रेंज के प्रॉब्लम्स या रेंज के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो बढ़ू मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। तो रेंज के बाद अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्वार्टाइल्स। ठीक है, अगला टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वार्टाइल्स। अब सर क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है, तो क्वार्टाइल्स का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में, मतलब 25% में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मीडियन का मतलब होता है किसी भी चीज को 50% में बांट देना, एग्जैक्टली आधा आधा। उसी तरीके से क्वार्टरली मतलब होता है किसी भी चीज के 4 पार्ट्स कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स बोलते हैं। तो क्वार्टाइल्स के में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे ना उसके हम लोग पहले तो 4 पार्ट्स कर लेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल्स की हमको वैल्यूज क्या फाइंड आउट करनी है। राइट, तो हम लोगों को क्वार्टाइल्स के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, डिस्क्रीट के अंदर भी सॉल्व करने होते हैं एंड कंटिन्यूअस के अंदर भी करने होते हैं। अगर मैं पूरे क्वार्टाइल्स में अगर आपको बात एक इंपॉर्टेंट बताऊं, तो आपको सिर्फ 2 चीज सीखने पर फोकस करना है, एक थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकलता है ये, और उसके अलावा फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलता है ये। क्योंकि जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है, जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है वो मीडियन होता है। एक्चुअली सेकेंड क्वार्टाइल क्या होता है आपका, मीडियन होता है।
ठीक है, तो मीडियन तो आप ऑलरेडी अब सीख कर आए हो, बट आपको फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है। तो मैं अगर क्वार्टाइल वन मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल अगर निकालने का फॉर्मूला बताऊं आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलेगा आपका, द साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ठीक है सर, ये तो कुछ हमको मीडियन के जैसा अगर रिलेटेड नजर आ रहा है, बस इतना था कि मीडियन में डिवाइडेड बाय टू था। यस, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पार्शियल या फिर पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, अच्छा डिस्क्रीट सीरीज में अगर करना हो तो डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला सेम है क्या, द साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, राइट। और अगर कंटिन्यूस सीरीज में बात करूं, क्यू वन इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, यहां प्लस वन नहीं आता, राइट, यहां प्लस वन नहीं आता। तो हमारे पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। अच्छा अब कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, आपको ना इस फॉर्मूले से एक मीडियन सॉरी क्वार्टाइल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वार्टाइल ग्रुप मिलेगा, और उस क्वार्टाइल ग्रुप पर आप फिर क्वार्टाइल के लिए कंटिन्यूस सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या होता है फॉर्मूला, L1 प्लस Q, मतलब ये वाला जो ऊपर में Q निकला है इसको हम स्मॉल Q से डिनोट करेंगे, स्मॉल Q वन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इनटू L2 माइनस L1 भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप I मतलब कि इंटरवल भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और यहां पर तो आपको सीधा सीधा अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और देख लेंगे कि कौन से क्यूमुलेटिव में बिलोंग करता है। जिस क्यूमुलेटिव में बिलोंग करता होगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बन जाएगा, आपका क्वार्टाइल बन जाएगा। और यहां पर भी आप लोग देखोगे तो यहाँ इंट्रापोलेशन का यूज होता है। अब कैसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंट्रापोलेशन का यूज किया जाता है, राइट। तो इंट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमको फ्रैक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है तो उसके लिए हम इंट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इंडिविजुअल सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ मैं किसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्वार्टाइल्स की शुरुआत कर रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज के साथ। जैसे कि मैंने सपोज रेंडमली मार्क्स पिक कर लिया कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे मार्क्स मुझे गिवन है, कितने मार्क्स गिवन है, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। हमने कुछ स्टूडेंट्स के लाइन से मार्क्स रेंडमली पिक कर लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने काउंट कर लो, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन इज इक्वल टू कितना है 8। अब आप लोग क्वार्टाइल वन का फॉर्मूला यूज कर लो, द साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम्स वैल्यू, ठीक है। जो भी आपके फोर्थ आइटम की वैल्यू आ रही होंगी वो आपको क्वार्टाइल वन का आंसर है, ऐसा बोलना है, राइट। तो द साइज ऑफ मतलब आपको पोजीशन निकालनी है कि इसकी क्वार्टर की पोजीशन कहाँ आएंगी, तो द साइज ऑफ 8 + 1 / 4, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो द साइज ऑफ 9 / 4 कितना आता है, 2.25th आइटम। ये किसी क्वार्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2.25th आइटम किसी क्वार्टर की वैल्यू है ये, राइट। तो हमको सीरीज में चेक करना है कि 2.25th आइटम कहाँ है, द साइज ऑफ 2.25th आइटम। देखो हमारे क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट आइटम दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, 8 आइटम है, लेकिन 8 आइटम में 2.25th आइटम की डायरेक्टली वैल्यूज कहीं गिवन नहीं है। लेकिन मुझे पता है ये 2.25th कहां आता होगा, 2 और 3 के बीच में कहां आता होगा, जैसे ये 2 और 3 के बीच में। अगर मैं और पॉइंट्स की बात करूं तो 2.1, 2.2, ऐसा 2.3 ऐसा चलता होगा, कहां तक के, 2.99 तक के, कहां तक चलता होगा, मतलब 2.01 से शुरुआत हुई होगी, 2.01, 2.02, 2.
तो हमको चाहिए एग्जैक्टली कहाँ की वैल्यू, 2.25th आइटम की मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी। अभी निकलेगा कैसे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंट्रापोलेशन। पहले तो मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है कि 2.25th निकालते तक, यहां तक सब ओके हो, किसी को भी यहां तक के डाउट है? चलिए तो आगे अगर हम बात करें 2.25th आइटम के वैल्यूज की, तो हमको इंट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रापोलेशन। अब इंट्रापोलेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है हमको यहां पहुंचना है, कहां, ये 2.25 पर। तो अब कंफर्म है कि जो सेकंड आइटम की वैल्यू होंगी उससे बड़ी ये वैल्यू, और थर्ड आइटम उससे वैल्यू छोटी होंगी। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे बना लेंगे, 2.25th आइटम इज इक्वल टू, इस आइटम की वैल्यू निकालना है तो इज इक्वल टू सेकेंड आइटम की वैल्यू ले लेंगे, जो भी सेकेंड आइटम है उस आइटम की पूरी वैल्यू ले लेंगे। तो बताओ तो सेकेंड आइटम की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 ले लिया। फिर प्लस करना है ब्रैकेट, थर्ड आइटम की वैल्यू में से माइनस करेंगे सेकेंड आइटम की वैल्यू। सर इससे क्या पता चलेगा हमको, इससे पता चलेगा इनके बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, यानी ये दो से तीन के बीच में वन जो वैल्यू आ रही है उसका डिफरेंस कितना है। तो चलो थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी थी, 30, थर्ड आइटम की वैल्यू थी 30, जबकि सेकेंड आइटम की वैल्यू कितनी है, 20। तो यस क्या है, माइनस है, तो कर दिया माइनस। चलो माइनस 20, और अब हमको पूरी ये वन आइटम की वैल्यू नहीं चाहिए ना, हमको डेसिमल में सिर्फ 0.25 की वैल्यू चाहिए। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.25 के साथ। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सिंपलीफाई करते हो तो 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0.25 के साथ तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आता है, और जब दोनों ऐड हो जाएगा तो 22.5। ये क्या आ गया आपका, 2.25th आइटम की वैल्यू, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू या आंसर। समझ में आया कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालना है? ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल ताकि और थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, राइट? तो Q1 कैसे निकालना होता है, तो Q1 निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक आपको फिलहाल में डेटा दे देता हूं, इनकम की बात करते हैं। जैसे हमारे पास इनकम 5, 15, 18, 27, 35, 45, 50, ठीक है, ये थाउजेंड्स में सारे के सारे फिगर्स। चलो तो ये हमारे पास डेटा आ गया, इनकम दी हुई है लोगों की। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां से आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लोगे, मतलब एन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहां पर, 7। ओके, तो हमारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो अगर एन की वैल्यू बोलू तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ठीक है, द साइज ऑफ, ये पूरा लिखने का काम आप लोगों ने करना है एग्जाम में। तो क्यू वन इज इक्वल टू द साइज ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम कितना आता है। तो अपने को सेकेंड आइटम की वैल्यू देखना है क्या, और देखो तो गिवन सीरीज के अंदर सेकेंड आइटम पता है क्या अपने को, यस, उसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो ये आपकी काफी अच्छी किस्मत है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल गई, डेसिमल में कुछ आया नहीं, इसलिए यहाँ इंट्रापोलेशन लगा नहीं, ठीक है। तो सेकेंड आइटम वैल्यू इज, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, इज 15। तो ये 15,000 रुपीज आपकी क्या हो गई, क्वार्टाइल वन की वैल्यू हो गई। डन, समझ में आया क्या? अच्छा सर, इसी में अगर सपोज करो सर आप एक और डेटा दे देते हमको यहाँ पर 55 भी दे देते, तो अब टोटल हमारा 55, तो फिर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, 8th आइटम आ जाता, तो फिर से हम कैलकुलेशन जो इसके पहले जैसा इंट्रापोलेशन निकाले थे वैसे करते। सर अगर मान लो है कुछ और फ्रीक्वेंसी आ जाती तो, मतलब जो एन है वो सपोज करो सर 12 आ जाता, तो फिर क्या करते, अगर 12 आइटम्स होते तो फिर 12 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो फिर 13 / 4 कितना होता, 3.2।
तो फिर इसका इंट्रापोलेशन कैसे बनता, फॉर्मूला, थर्ड आइटम की वैल्यू ले लेते हैं प्लस फोर्थ आइटम और थर्ड आइटम का वैल्यू का डिफरेंस निकालते और उस डिफरेंस को मल्टीप्लाइड कर देते 0.25 के साथ, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपको क्या पता चल जाता, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता कि आपका Q1 कितना है। इंडिविजुअल सीरीज में Q1 कैसे निकालेंगे, क्लियरिटी आई थोड़ी सभी को, पक्का? ओके, अब Q3 कैसे निकालना उसके बारे में भी देख ले एक बार, क्योंकि Q1 और Q3 अगर आपने देख लिया तो चैप्टर खत्म, मतलब फिर चैप्टर के आगे जो टॉपिक्स है वो Q1 और Q3 पर ही डिपेंड है, इसलिए पूरा फोकस आपका क्वार्टाइल 1 कैसे निकलता है, क्वार्टाइल 3 कैसे निकलता है इसके ऊपर होना चाहिए। फिर वो QD कैसे निकलेगा, CQD कैसे निकलेगा, IQR कैसे निकलेगा, ये बात की बात है। पहले Q1 और Q3 निकालना सीख लो इस टॉपिक के अंदर, तो आपका ऑलमोस्ट ये क्वार्टाइल वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाता है। चलिए अब मैं किसकी बात करता हूँ, थर्ड क्वार्टाइल की। हम किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे निकाला जाए। देखो थर्ड क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है फोर्थ पोर्शन, लेकिन थर्ड क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आप फोर्थ नहीं, आप 75% पोर्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी फोर्थ जो टोटल क्वार्टाइल के चार हिस्से होते हैं, लेकिन उस चार में से थर्ड नंबर वाला हिस्सा निकालना, मतलब 75% वाला पोर्शन का आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, राइट? चलिए तो थर्ड क्वार्टाइल्स की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये निकलती कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ये फर्स्ट क्वार्टर जब निकाला था फर्स्ट क्वार्टाइल उसका फॉर्मूला था क्या, थर्ड क्वार्टाइल में बस अब मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3, राइट? चलो एक एग्जांपल ले इंडिविजुअल सीरीज का, एक एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल सीरीज का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मार्क्स मार्क्स कितने हमारे पास, सपोज करो 5, 15, 25, 30, 35, 40 मार्क्स ले लिया मैंने रेंडमली, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ गए हमारे पास, n इज इक्वल टू 6। तो अब फॉर्मूले के अंदर रख देंगे Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 3 इंटू n कितना है 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर बता रहे हो क्या, मतलब इन्होंने क्या किया होगा, पहले 7 डिवाइडेड बाय 4 किया होगा और 3 से मल्टीप्लाइड किया होगा, कितना आया 5.25। अब 5.25 आइटम है तो फिर से यहाँ क्या लगेगा, इंट्रापोलेशन। तो इंट्रापोलेशन कैसे लगाएंगे, फिफ्थ आइटम की वैल्यू, तो देखो ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है, फिफ्थ की है, तो फिफ्थ आइटम की वैल्यू कितनी है 35 प्लस सिक्स्थ आइटम की वैल्यू माइनस फिफ्थ आइटम की वैल्यू और इंटू 0.25। तो सिक्स्थ आइटम की वैल्यू थी 40, फिफ्थ आइटम की वैल्यू थी 35 इंटू 0.25, तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 5 इंटू 0.25, मतलब कितना हो जाता है 1.25, तो कितना आ जाएगा 36.2। डन, समझ में आया क्वार्टाइल 3 कैसे निकालना, सभी को क्लैरिटी है क्वार्टाइल 3 को लेकर? एक और क्वेश्चन देखने की इच्छा है? नहीं। तो अगर आपको Q1 और Q3 पता चल जाए ना तो आप क्या निकाल सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन। क्या निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, QD। तो QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, ठीक है? इसी तरीके से आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर पूछा तो Q3 माइनस Q1। और अगर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ CQD बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी कि आपको क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 एक बार डिटरमाइन कर लेना है। एक बार आपने ये वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वार्टाइल डेविएशन क्या आने वाला है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आने वाली है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आने वाली है। ये चीज आप क्या कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। डन, समझ में आई थी बात, पक्का? तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर आपको क्वार्टाइल से रिलेटेड अगर टॉपिक देता है और पूछता है कि इसका
अच्छा ये पहले तो सर टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 8 मार्क में आ सकता है, ठीक है, ये टॉपिक 8 मार्क का वेटेज रखता है। अच्छा ये टॉपिक 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अब मैं कुछ आपको 4 मार्क्स के लायक के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर क्वार्टाइल डेविएशंस की वैल्यू दे दिया। मैं बोलता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन कितना है, 25 है, कितना है 25 है, और मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको Q3 की वैल्यू बता दिया। मैंने बोला कि Q3 कितना है, तो मैंने कहा Q3 150 है, कितना है Q3 115 आपका Q3 है। तो चलो फाइंड करना आपने Q1, चलो करो तो Q1 कितना आना चाहिए जल्दी से फाइंड करके बताओ। चलो तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया एंड आप लोग बोल रहे हो कि इसका आंसर 100 आया होगा, बट जिनको नहीं समझ में आया कैसे 100 आया वो एक बार जस्ट ध्यान दे दे, ठीक है, वो जस्ट एक बार ध्यान दे दे। आपको एक फॉर्मूला लगाना था, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, ये गिवन है, ये गिवन है, बस यही तो मिसिंग है, निकल जाएगा। कैसे आ जाएगा, 1 ये 25 है, ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इधर आपका 150 माइनस Q1, तो क्वार्टाइल को इधर ट्रांसफर कर दूं तो प्लस 1 में आ जाएगा, और इधर ये 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 150 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 100, राइट, कितना आ जाएगा, 100, डन। चलो तो इस तरीके से आप लोगों को अगर फॉर्मूला बेस अगर कुछ भी चीज आती है तो आप कैपेबल हो करने के लिए, राइट, ओके। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बात कर ली कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर Q1 एंड Q3 आप लोगों को किस तरीके से फाइंड करना है। अच्छा अब डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, अगर क्वार्टाइल से अगर मैं बोलूं ना, डिस्क्रीट में ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि वहां ये इंट्रापोलेशन वाला झंझट ही नहीं आता, सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेक करो एंड जहां वो बिलोंग करता है हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है, किसमें चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लाके दिखाऊंगा अभी पॉइंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलो ध्यान देना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज के, ठीक है, दिख रहा है क्या, ये थोड़ा डार्क करना है, मेरी मर्जी, वो तो कितना भी डार्क हो सकता है, अब ये ऐसा मार्कर है कि जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ इंक बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जाम्पल लेता हूँ एंड इसके अंदर सारी चीज निकालना सीखेंगे, Q1 कैसे निकलेगा, Q3 कैसे निकलेगा एंड उसके अलावा और क्या, IQR, CQ, CQD एंड QD, ठीक है, सारी चीज निकालना सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मार्क्स आपको दिए हुए 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, 5, 9, 2, 5, 7, ये क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जांपल। जब आप इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे तो सबसे पहला काम, द फोरमोस्ट वर्क यू हैव टू बी डन, क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, CF, उठाओ अपना कैलकुलेटर करो, पहली जो CF रहती है वो आपकी सेम रहती है, मतलब 7, 7, फिर अगला 7 + 5 12, 12 + 9 21, 21 + 2 23 + 5 28 + 7 35, n इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, 35, बस इतना आपको करना है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। फिर इसके आगे सर, बस इसके आगे फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है, जैसे अगर आपको Q1 निकालना है, क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 के लिए फॉर्मूला होता है द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक है, तो आपको पता है द साइज ऑफ n कितना आपके पास, 35 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक है, तो इसका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है द साइज ऑफ 9th आइटम, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो 9th आइटम है ना, 9th आइटम क्या चेक करना है, बिलोंग इन द सी एफ ऑफ, और इस सी एफ में कैसे चेक करते, या तो एग्जैक्टली 9 होना चाहिए सी एफ में,
या तो एग्जैक्टली 9 होना चाहिए या फिर 9 से जो भी नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होंगी वो होनी चाहिए। तो 9 तो है नहीं, लेकिन 9 से जस्ट जो रिसेंट या जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो पता है क्या क्या है? 12। तो हम क्या बोलेंगे, 9th आइटम बिलोंग इन द सीएफ ऑफ 12। हेंस इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो क्या है? हेंस इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 10। हेंस करस्पॉन्डिंग मार्क्स कितना है? करस्पॉन्डिंग मार्क्स है 10। ठीक है, कितना है? 10। तो आपका क्वार्टाइल 1 का आंसर कितना आ गया? 10। क्वार्टाइल 1 का आंसर कितना आ गया? 10। इसी तरीके से हमको क्या भी निकालना है, Q3 क्वार्टाइल 3। ठीक है, तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या होगा? द साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, राइट? वो कंटिन्यूस सीरीज में लगता है, अभी हम डिस्क्रीट सीरीज में है। ठीक है, Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 3 एन प्लस, एन कितना है? 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 आया था, और इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 27th आइटम आता है, राइट? तो आप चेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे? 27th आइटम बिलोंग इन द सीएफ ऑफ कौन सा? 28। हेंस जो भी इसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स होगा, हेंस क्या है इसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स? तो करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है वो है 25। मतलब Q3 का आंसर कितना आ जाएगा आपका? इस 28, ये आपका बिलोंगिंग सीएफ था, उसका करस्पॉन्डिंग क्या था आपका? 25। तो ये आपका क्या आ गया? 3rd क्वार्टाइल। ये क्या था आपका? 1st क्वार्टाइल। तो 3rd क्वार्टाइल की भी वैल्यू आ गई, 1st क्वार्टाइल की भी वैल्यू आ गई। नाउ अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो बस फॉर्मूला पुट कर देना इंटर क्वार्टाइल रेंज का, क्या होता है इसका फॉर्मूला? Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 करेंगे, 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 15। ये आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ में आया क्या इंटर क्वार्टाइल रेंज? पक्का? अच्छा, उसी के अलावा, इसके अलावा अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछता तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए आपको 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5, क्योंकि 25 माइनस 10 कितना होता है? 15, एंड 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 7.5। ठीक है, और उसके अलावा CQD कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो 25 माइनस 10, 25 प्लस 10, 15 डिवाइडेड बाय 35 कितना? चलो, तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे, क्लियर है? पक्का? नाउ लास्ट क्वार्टाइल्स की बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। अच्छा, अगर एक बार मैं इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट को एक बार ऊपर से गो थ्रू करवाते हुए लाऊं, तो हम लोगों ने पहले क्वार्टाइल्स काय में पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने क्वार्टाइल का टॉपिक शुरू किया और हम लोगों ने पहले बात किया क्वार्टाइल्स की। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। तो हमने पहले शुरुआत की थी इंडिविजुअल की, जहाँ Q1 और Q3 निकाला था, Q1 और Q3 सीखा था। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया नहीं Q D CQD, बट वो सेम होता है हर बार। फिर इंडिविजुअल के हमने एक दो प्रॉब्लम और देखे थे, फिर उसके बाद क्वार्टाइल्स डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखो, पूरा का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। किस पर? फॉर्मूले पर। एक मैंने आपका थोड़ा सा ब्रेन टेस्ट करने के लिए एक आपको एग्जाम्पल दे दिया था, जहां पर मैंने एक आपको फिगर दे दिया था QD का और 3rd क्वार्टाइल। ठीक है, अच्छा, कई बार 3rd क्वार्टाइल नहीं बोलता एग्जाम में, अपर क्वार्टाइल बोलता है, कंफ्यूज मत होना। अगर अपर क्वार्टाइल बोला मतलब ही Q3 है। कई बार लोअर क्वार्टाइल बोलता है, लोअर क्वार्टाइल बोला मतलब कंफ्यूज मत होना, Q1 है, राइट?
तो कई बार हम लोग वर्डिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे, फिर हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम देखा, एंड डिस्क्रीट के अंदर हम लोगों ने सेम क्वेश्चन पे Q1, सेम क्वेश्चन से Q3, और सेम क्वेश्चन से हमने IQR, QD एंड CQD निकालना सीखा है। अब मैं इस टॉपिक के लास्ट सीरीज की तरफ चल रहा हूँ, जो कि है कंटिन्यूअस सीरीज। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर सॉल्व करोगे, आपको पहले सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेनी है, ऑलवेज। देन उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। चलो इंक्लूसिव सीरीज का एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, 1 to 10, ठीक है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं 7, 9, 5, 12, 8, ठीक है, ये रैंडम मैंने क्या ले लिया है। तो सबसे पहले आपको ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं दिख रही है, कौन सी सीरीज नजर आ रही है, ये इंक्लूसिव सीरीज नजर आ रही है। तो पहले आप इंक्लूसिव को कन्वर्ट करो काय में, तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे इसका, तो पहले आपका ये जो सीरीज है एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो देखो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, ये जो अपर लिमिट है पहले क्लास की और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, पहले इन दोनों के बीच का आप क्या आइडेंटिफाई कर लो, डिफरेंस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 1, और उसको डिवाइडेड बाय कर दो 2, तो कितना आ गया 0.5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हुए चलोगे, ये जितनी लिमिट दिख रही है ना आपको, ये जो भी सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 को प्लस। तो वैल्यू कितनी बनते चलेंगी, 0.5 और इधर 10.5, इधर 10.5 और इधर 20.5, इधर 20.5 और इधर 30.5, फिर 30.5, उसके बाद 40.5, फिर उसके बाद 40.5, तो 50.5, राइट। और फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको ले लेना है 3 नहीं, जो गिवन है वही फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, 7, 9, 5, 12, 8। अब इसके बाद आप लोगों ने जैसा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करना है, पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16 + 5 = 21 + 33 और + 8 मतलब 41। तो n = कितना आ गया आपका, 41। तो ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लिया। नाउ अब Q1 निकालोगे, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1, अब इसको कंटिन्यूअस सीरीज में स्मॉल Q1 के नाम से डिनोट करना, क्योंकि जो एक्चुअल क्वार्टाइल 1 है वो कंटिन्यूअस सीरीज का एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज होगा, उससे निकलेगा। तो इसको आप स्मॉल क्यू से डिनोट करोगे, राइट। चलो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, अच्छा सॉरी कंटिन्यूअस सीरीज है तो +1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ +1 नहीं होगा, सिर्फ n डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू द साइज ऑफ n कितना है, 41 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो कितना आता है, 10.25 आइटम। सर अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 10.25 आइटम कहां बिलोंग करता है, बिलोंग इन द सीएफ ऑफ कौन से सीएफ में, तो या तो इस सीएफ में एग्जैक्ट 10.5 मिलना चाहिए, या उसे जो भी लेटेस्ट रिसेंट बड़ी वाली वैल्यू होंगी वो लेना है। तो उसे जस्ट 10.25 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट 16, तो हम क्या बोलेंगे, बिलोंग इन द सीएफ ऑफ 16। हेंस इसके आगे का कंटिन्यू इधर कर रहा हूं, हेंस इसका जो करस्पॉन्डिंग ग्रुप बना वो ये बना, ठीक है, हैंस करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, 10.5 से 20.5, जिसको हम लोग क्वार्टाइल ग्रुप बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टाइल ग्रुप, ठीक है। तो क्वार्टाइल ग्रुप यहां पर क्या बन रहा है आपका, 10.5 से 20.5, राइट। और आपको इसमें लोअर लिमिट किसको लेना है, 10.5 को, अपर लिमिट किसको लेना है, और उसके अलावा उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है उसको क्या बोलेंगे हम, एफ
तो फ्रीक्वेंसी है 9, और उसके ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग सी। तो मेरे पास ये कुछ डेटा आ गया। अब जो फॉर्मूलेज में हमको यूज करना है, हम क्वार्टाइल्स निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? L1 प्लस Q1 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू L2 माइनस L1, या इसकी जगह आप आई वर्ड भी यूज कर सकते थे। आई मतलब इंटरवल, और अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सब में 10-10 का इंटरवल है। तो कितना आ जाएगा? 10.5 प्लस ये डिवाइड करने पर कितना आया था? Q1 कहां से आ जाता है? ये जो डिवाइड करके आपने लाया था 10.25। तो 10.25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला 7, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 9, और L2 मतलब कि 20.5 माइनस 10.5। तो जब इसको आप सिंपलीफाई करने जाओगे तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3.25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10। और उसके आगे अगर और सॉल्व करने जाते हैं तो 10.5 प्लस ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 32.5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसके आगे का इधर कर रहा हूँ। Q1 इज इक्वल टू 10.5 प्लस, बताओ डिवाइड करके 3.611, और दोनों को आपस में जोड़ दे तो फाइनली क्वार्टाइल 1 का आंसर कितना आता है? 14.11। लो, क्या आ गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर। अब इसी तरीके से हमको थर्ड क्वार्टाइल के लिए भी कैलकुलेशन करना है, लेकिन पहले उसको स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? द साइज ऑफ 3 इंटू एन डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम बराबर Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 3। एन का वैल्यू कितना था? 41 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। चलिए, तो Q3 इज इक्वल टू द साइज ऑफ 3, इससे डिवाइड करने पर 10.25 आता है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है? 30.75 आइटम। आपको चेक करना पड़ेगा कौन से CF में बिलोंग करता है। तो चलो चेक करें ऊपर। अब बताओ 30.75 तो 33 में बिलोंग करेगा क्या? क्योंकि 30.75 से जस्ट रिसेंट वाली बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी? 33। और इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है? 30.5, राइट? क्या है? 30.5। तो स्टार्ट कर दें। सॉरी, अच्छा वो भी कितनी थी? तो हाँ, ये भी देख लो, सी की वैल्यू कितनी है? 21। एफ की वैल्यू कितनी है? 12। L1 कितना है? 30 पॉइंट। और L2 कितना है? ओके, तो बताना मुझे कितनी कितनी वैल्यूज थी। बस अब कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले में रख देंगे। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस Q3 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ L2 माइनस L1, राइट? L2 माइनस L1। तो L1 की वैल्यू कितनी थी? 30.5। अच्छा, Q3 ये, तो ये जो आया था आपका ये 30.75, उसके पहले की 21, 12, और 40.5 माइनस 30.5। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इसको डिवाइड करके बता रहे होते हैं 0.8125 इंटू 10, 8.125, अगर 38.625। लो जी, आपको क्या भी पता चल गया? Q3। तो आपके पास Q1 भी होगा और Q, तो आपके पास ये Q1 की वैल्यू है, ये Q3 की वैल्यू है। तो क्या QD निकल सकता है? क्या IQR भी निकल सकता है? क्या CQD भी निकल सकता है? यस, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 और Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है? 12.25। मैं डायरेक्ट आंसर्स आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है? 24.51 और 0.46। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वार्टाइल्स।
इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आप किस तरीके से अपने क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने ये पूरी डिस्कशन की। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्वार्टाइल्स के अंदर एक स्क्यूनेस भी निकलता है, ठीक है, एक स्क्यूनेस भी निकलता है जिसको स्क्यूनेस बाय बाउले कहा जाता है। तो पहले समझ लो स्क्यूनेस बाय बाउले को भी, ठीक है, तो स्क्यूनेस बाय बाउले के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, जितने भी स्क्यूनेस होते हैं उसको जे से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है, जितने भी स्क्यूनेस होते हैं उसको काय से डिनोट किए जाते हैं, जे से। तो स्क्यूनेस बाय बाउले का फॉर्मूला होता है Q3 + Q1 / Q3 - Q1। सर ये तो कुछ हमको CQT का उल्टा फॉर्मूला नजर आ रहा है, बट इतना नहीं है फॉर्मूला, इसमें माइनस ट्वाइस मीडियन भी किया जाता है। आपको Q3 निकालते आता है, Q1 निकालते आता है, क्वार्टाइल थर्ड निकालते आता है, फर्स्ट क्वार्टाइल आता है और मीडियन भी आता है, तो फिर ये भी निकल जाएगा। सपोज करो, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछना होगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको स्क्यूनेस की वैल्यू दे देगा। मैं बोलता हूं स्क्यूनेस की वैल्यू है 0.89, स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है 0.89, स्क्यूनेस की उन्होंने क्या बता दिया वैल्यू, इज इक्वल टू आपको थर्ड क्वार्टाइल की भी वैल्यू बता दिया कितनी, मैं बोलता हूँ थर्ड क्वार्टाइल की उसने वैल्यू बता दिया सपोज करो 100, कितनी 100, ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू बता दिया सपोज करो 40, कितनी बता दिया 40, ठीक है, और आपको बोलता है कि चलो बताओ अब मीडियन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको मीडियन पूछा है, बना सकते हैं क्या? मतलब यहां पर चार चीजें हैं, Q3, Q1, मीडियन और स्क्यूनेस, इन चार में से अगर कोई तीन चीज भी पता होंगी, जैसे यहां एक दो तीन चीज पता है तो मिसिंग निकल जाएगा, या अगर कभी उल्टा हो जाए, मीडियन दे दे, क्वार्टाइल दे दे और स्क्यूनेस दे दे और बोले Q1 निकालो, तो भी निकल सकता है, निकाल लोगे क्या यहां से? सिंप्लीफाई करना है इसको, कैसे करेंगे सर सिंप्लीफाई बताओ जरा। 0.89 इज इक्वल टू, ये तो आपस में ऐड हो जाएगा 140 माइनस ट्वाइस मीडियन, और ये 100 माइनस 40 करेंगे 60, ये 60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर आके, ठीक है, तो 140 माइनस ट्वाइस मीडियन, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 53.4। ओके, ये जो ट्वाइस मीडियन माइनस में है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस ट्वाइस मीडियन हो गया इधर आकर, और इधर बचा आपके पास 140। तो अब मुझे ये ट्वाइस मीडियन बस अपना इधर सेपरेट, मुझे मीडियन की वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 140 ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 53.4, और ये ट्वाइस जो मीडियन है इधर, चलो पहले कितना आ रहा है 86, मुझे ट्वाइस मीडियन नहीं ओनली मीडियन चाहिए, तो ये टू इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो काइंडली गलतियां नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है जो आपको बोनस मार्क देके जाते हैं, सिर्फ आपका छोटा सा मैथ्स का नॉलेज टेस्ट होता है यहाँ पर। इक्वल्स टू के इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, बस सारी चीज गिवन होती है, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट अप करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि आएंगे, ठीक है, 4 मार्क्स में स्ट्रांगली चांस है इस तरीके के क्वेश्चंस आने के, राइट। चलो तो यहां पर हमारा क्वार्टाइल टॉपिक भी क्या हो गया खत्म। अगर मैं बात करूं, आज हमने मॉर्निंग से मतलब जब से अपना सेशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने पहले रेंज की बात की है, पूरी तरीके से क्लियर है, फिर हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात किया, ये भी पूरी तरीके से क्लियर है, फिर मैंने क्वार्टाइल्स वाले टॉपिक स्टार्ट किया था, क्वार्टाइल के अंदर पहले हम लोगों ने Q1 निकालना सीखा, Q3 निकालना सीखा, QD निकालना सीखा, उसके अलावा CQD सीखा और IQR सीखा। तो आज इतनी चीजें हैं जो हमने क्लास के अंदर गो थ्रू कर रखी है इस यूनिट से रिलेटेड। होप आप लोगों को ये सारे भी टॉपिक्स क्लियर है, कहीं से भी यहां क्वेश्चन आ जाए आप लोग कैपेबल हो सॉल्व करने के लिए, यस पक्का। चलो तो यहां पर हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स को करते हैं
खत्म आज की क्लास, कल फिर करेंगे कंटिन्यू। कल जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर, ठीक है? कल हम लोग पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, क्वांटिनियस सीरीज के अंदर। एंड कल की क्लास कल ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाली है, ठीक है? कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, राइट?